नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सिविल माफे रोड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये MIM का जनसंपर्क कार्यालय है और आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ हमारे साथ इस वक्त है ना बहुत सारे लोग मौजूद है, इसमें कलवा मुमरा विधानसभा MIM के महासचिव जनाब बरकत शेख उर्फ गुंजन सेठ भी यहाँ पर है। आइए जानते हैं इस कैंप के बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से आज यहाँ पे जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, लगभग कितने लोगों ने अब तक इस कैंप का फायदा उठा चुके? अभी दिन के 1 बज रहे हैं, कम से कम 300-400 लोग का चेकअप हो चुका है और 5 बजे तक ये कैंप चलेगा। लगभग कम से कम 1000-1200 आदमी रहेंगे, 1000-1200 आदमी इसका लाभ उठाएंगे। हमारे साथ MIM पार्टी के जफर सैयद भी है, आइए जानते हैं इस कैंप के बारे में उनका क्या कहना है। जफर भाई, आज आपने इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के इस बारे में? मोहन भाई, सबसे पहले मैं तो कालशेखर हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी टीम हमको प्रोवाइड करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे ये आज ये प्रोग्राम आयोजन करने का मौका दिया। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का ये प्रोग्राम हमारा चालू रहेगा। 1 बज गए हैं, आज सुबह से लेकर के अभी तक लगभग 400 पेशेंट इसका लाभ उठा चुके हैं और 5 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह। अभी जितने भी पेशेंट हैं आएंगे और फिर मैं यहाँ के आवाम को आपके माध्यम से अभी लाइव आप करेंगे। मैं सूचित करना चाहता हूँ कि 5 बजे तक हमारा कैंप है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका लाभ उठाएँ। इस कैंप में हमारे यहाँ जनरल जांच हो रही है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, कान, आँख, नाक, इन सब सारी चीज़ों का फ्री चेकअप हो रहा है, उसका पर्याप्त। जाफर भाई, जो बड़ी बीमारियाँ हैं जिनको मतलब ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे मरीजों के लिए क्या ऑपरेशन की भी सुविधा इस कैंप द्वारा मतलब आप लोगों ने मतलब व्यवस्था की है ऑपरेशन वगैरह कराने की? जी मोहन भाई, अभी हमारी जो बात हुई थी कालशेखर हॉस्पिटल के जो CEO हैं सौदागर मैडम, उनसे बात हुई थी। बात करने के बाद हमने ये किया, तो अभी महात्मा ज्योतिबा फूले के अंतर्गत जो भी स्कीम आ रहा है, जो BPL कार्ड धारक हैं उनका अगर कोई ऐसा क्रिटिकल बीमारी है तो कालशेखर हॉस्पिटल वाले उस योजना के अंतर्गत फ्री दवा करने का हमको आश्वासन दिए हैं। हमारे साथ MIM के नगर सेवक शाह आलम साहब भी मौजूद है, आइए जानते हैं इस कैंप के बारे में उनका क्या कहना है। शाह आलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिविल फाइटर हमारे MIM कार्यालय के ऊपर जो कैंप लगाया गया और ये कालशेखर हॉस्पिटल के मदद से हमने इस प्रोग्राम को चालू किया है और ये मुमरा कौसा में पहला कैंप चालू हुआ है। और इस कैंप से और इस हॉस्पिटल जो हमारा पैक्ट है वो ये कि जो अपना BPL कार्ड है, 1.5 लाख तक का इलाज का फ्री इसके अंदर वो रखा गया कि अगर जैसे हार्ट का भी किसी को प्रॉब्लम है, 3 लाख का अगर खर्चा आ रहा है तो 1.5 लाख रुपये का खर्च हॉस्पिटल बर्दाश्त करेगी और 1.5 लाख रुपया उसको देना रहेगा। मतलब बड़े से बड़ी बीमारी का भी ट्रीटमेंट, टोटल 900 बीमारियों का इलाज इसमें किया जाएगा। इसके अंडर में जो ज्योतिबा फूले वो है योजना, उसके अंदर 900 बीमारियों का इलाज कालशेखर हॉस्पिटल के अंदर किया जाएगा। गरीबों के लिए ये बहुत बेहतरीन स्कीम है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाए और इससे अपने जो गरीब लोग हैं उनके हालात जिनके इलाज करने के नहीं, तो वो आप कालशेखर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर इनका एक अपना अलग कैबिन बना हुआ है, आप वहाँ जाके अपना नाम लिखाइए और अपना एड्रेस, अपना राशन कार्ड दिखाइए और आप अपना इलाज कराइए। वहाँ किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, गरीब है बस इतना कहना काफ़ी है और उसका इलाज वहाँ पे 1.5 लाख तक वहाँ पे पेमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल के द्वारा, ट्रस्ट के जरिए। हमारे साथ कमरुल हुदा साहब भी है, आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। कमरुल हुदा भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले मैं कालशेखर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समझो हमारे कार्यालय पे कैंप का एक आयोजन रखे और आवाम का समझो इसमें फ़ायदा हो रहा है और कम से कम ये शाम को 5 बजे तक चलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा करीब करीब 1000-1200 आवाम का यहाँ पे इलाज हो सकेगा। इसमें जनरल चेकअप भी है और जो भी है सब कालशेखर हॉस्पिटल में, बाकी जो बड़ी बीमारी है वहाँ पे हॉस्पिटल के थ्रू किया जाएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के स्थानीय समाज सेवक और उत्तर भारतीय महासंघ के
राष्ट्रीय अध्यक्ष करीम खान साहब भी मौजूद है, ये जानते हूँ उनका इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहना है। करीम भाई, सबसे पहले मोइन भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कालशेखर हॉस्पिटल की पूरी उस टीम का और उस पूरे ट्रस्ट का कि जिन्होंने ऐसी ऐसी योजना लाए हैं कि अब तक का मैं समझता हूँ कि मुमरा में ये योजनाओं का पता ही नहीं है मेरा जहाँ तक का ख्याल है। उसके साथ साथ जो MIM के जो दो नगर से जो चुन करके आए हैं ये लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कालशेखर तक का कॉन्टैक्ट किया, कालशेखर वालों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया और एक माइनॉरिटी एरिया जो एक गरीब तबके का एरिया है जहाँ पर लोग बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते, चेकअप नहीं करा पाते, मतलब एक गरीब माइनॉरिटी एरिया में ये जो काम लाया गया है माशाल्लाह चेकअप का काम लाया गया है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। दीनी दुनिया भी दोनों आखिरत में भी मतलब इनको इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत सारे दुआएं मिलेंगी और काफ़ी लोगों ने अब तक का चेकअप करा और ऐसे चेकअप मैं समझता हूँ कालशेखर हॉस्पिटल के थ्रू और भी NGOs के थ्रू ये बार बार हर माइनॉरिटी और हर गरीब एरिया में होना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, फिर से कहूँगा कि कालशेखर हॉस्पिटल के पूरे ट्रस्ट का पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुंजन भाई, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आज आप लोगों ने जो यहाँ पे मतलब मेडिकल कैंप रखा है जिसमें हज़ारों लोगों ने इसका लाभ उठाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर क्या आपकी पार्टी और आप इसी तरीके का मेडिकल कैंप का आयोजन करके यहाँ की जनता को मतलब लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में भी? हम आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह और इसके आगे और भी करते रहेंगे। हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे और करते रहेंगे काम हमेशा। हम समाज सेवक लोग हैं और समाज के काम हम करते रहेंगे।